गुरु जी, चतर दशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो, कृपा कटा के अवलोकन कीनो, दास का दुख बेदारियो, हर जन रखे गुरु गोविंद, कंठ लाए अवगन सब मिटे, दयाल पुरख बख्शंद, जो मांग है ठाकुर अपने ते, सोई सोई देव, नानक दास मुख ते जो बोला, इहां उहां सच हो, ज्यों बुलावह त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कमन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी, सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाह जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साह जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। राग बिलावल महला पंजवा, घर दूजा जानड़िए कै घर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारी, मैं मन तेरी टेक, अवर सियानप बिरथिया प्यारी, राखन को तुम एक, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारी, मैं मन तेरी टेक, अवर सियानप बिरथिया प्यारी, राखन को तुम एक, रहाऊ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਬਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ, ਵਸਦੇ ਸਗਣ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ, ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮਲ ਜਾਏ ਨਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ। सतगुरु दे वरसाए हुए श्रोमणी कवि भाई नंद लाल जी ने एक बचन कहा है, कदमिया बेक दर राहे खुदा पैमूदा में बाशद, जबाने बेक दर जिक्रे खुदा या सूदा में बाशद,
रब ने पैर दिते हन, लत्तां दित्तियां हन, इन्हां नाल चलदे हाँ, तुरदे हाँ, चंगे पासे जाना होवे तां वी पैर साथ दिंदे ने, बुरे पासे जाना होवे तां वी दिंदे ने। किसे ने अमृत छकन जाना है, पैर तुरदे ने, पर किसे ने जहर शराब पीन जाना, पैर तां वी तुरदे। मन हुक्म करदा, पैर चलदे हन। पर भाई नंद लाल जी कहंदे ने, रब ने चरण ते तैनू दिते ने पैर दिते हन, मुबारक हन जिहड़े सतगुरु दे दर वल तुरदे हन ते तैनू संगत विच लै आउंदे हन। सब तो ज़्यादा हिलण वाली हरकत करन वाली इंद्री कोई है ना, ते जबान है। गिनते रहो सवेर तो लैके शाम तक कि जबान किन्नी क वारी हिली है, हैरान हो जाओगे, गिनती कौन करे। इन्नी वारी हथ हिलाइए तो हथ थक जाए, पैर हिलाओ तो पैर थक जाए, पर ये जबान नहीं थकती। भाई साहब जी कहते ने, गल्लां करदे आं नहीं थकदी, पर जबान मुबारक है जिस उत्ते रब दा जिक्र रहिंदा, परमात्मा दा नाम लैंदी है। ये मिलदा हुण कित्थों है, प्रेरणा कित्थों मिलदी है, गुरु दी संगत विच्चों। ते सिक्खी दा केंद्र है अमृतसर साहब। मुबारक ने तुहाडे कदम अमृतसर आए हो, जुबान मुबारक है। सतगुरु दे दर आके आख्या, धन गुरु रामदास तेरी आस। अमृत वेले तो संगतां ने हाजरियां भरियां ने, इत्थे ही नहीं जिथे जिथे बैठे ने, मीडिया द्वारा, टीवी चैनल द्वारा। सिख जागदा ते उड़ीकदा कदों दरबार साहब शुरू होवे। दर्शन करदे हाँ, सतगुरु दा हुक्म सुनदे हाँ। अज दा जो फरमान हुक्म हरिमंदर साहब विखे, जुगो जुगो टल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने बख्शिश कीता है, राग बिलावल विच्चों है, गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया शब्द है। बाणी के बहुत हैं, वाकई बाणी का जहाज रचे है, संपादना भी की थी, 2312 शब्द उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहब में सवाए मान हैं। अज जो शब्द हुक्म आया है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 602 ते बलावल राग विचों है, आओ सरवण करो। बहुत खोज भरपूर विचार इस दे विच हन, जिन्हां नूं असीं विचारन दा यतन करांगे। एक बार सारे चित विरतियां एकाग्र करो, गुरु दे हो के बैठिए, बाहर नालों सुरत तोड़ के, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। होरना पासियां तो तोड़ के इस पासे जोड़िए। एक बार प्यार नाल सारे आखो जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। राग बिलावल महला पंजवा। राग बिलावल विच साहिब गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया ये शब्द है जी। घर दूजा या नड़िए कै कर गावना। घर दूजे विच ते इस नूं केड़े घर विच गाउणा है,
यानड़िया एक नियम है जो लिपि श्री गुरु ग्रंथ साहब विच लिखी गई है। लिपि ते है गुरमुखी, लिपि वो होंदी है जो सिर्फ लिखण विच आवे, ते भाषा वो होंदी है जिहड़ी बोली भी जाए ते लिखी भी जाए। भाषा श्री गुरु ग्रंथ साहब विच कोई एक नहीं, बहुत ने भाषा, बहुत ने, पर लिपि केवल एक है, वो है गुरमुखी। इसका नियम है कि यया अखर जड़ा है ना, इस हम इतने कन्ना में है, असी या जो आखिए ईड़ी सिहारी हो वे, ते यया हो वे, ते इनू या भी पढ़िया जाता। इत्थे हुण कई सज्जन सवाल करते ने जी ये यानड़िए है, पर जिहड़े घर च गाउणा है वह शब्द है तलंग राग विच, तलंग महला पहला, वो है यानड़िए मानड़ा काए करें यानड़िए। हुण इह जिहड़ा या है ना, इहनू या पढ़ना है, ए आनड़िए मानड़ा काहे करें, आप नड़े घर हर रंगो की न माने, छो नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढा। मैं आपकी खोज वास्ते एक प्रमाण होर भी दे दे मां, श्री राग पढ़ो। श्री राग कबीर जीओ का एक स्वान कह घर गावना, वो शब्द केड़ा है एक स्वान जिस दे घर च गाउणा, वो गुरु नानक देव जी का शब्द है एक स्वान। तो सवेरे उठना तो सवेरे सवेरे नाल एक कुत्ता उठ के भौंकण लग पैंदा, स्वान कुत्ता, एक स्वान दोए स्वानी नाल, ते दो कुतियां भौंकदियां ने। ये उन्हें ब्रैकट विच अर्थ कीते ने, उहदा कारण है अर्थ आप भावक करने ने, अर्थ ऐसे भी कहते ने आसा तृष्णा दो कुतियां, पर अर्थ ऐसे भी आए ने भुखे और प्यास, जैमें तीजे मुही गरा भुख तिखा दो भौंकियां, मूँह विच गरा ही पाई क्योंकि भुख ते प्यास दो कुतियां भौंक पईयां। एक स्वान कह कर गावना, कई सज्जने भी पुछते ने सीधा ईड़ी सिहारी पा देंदे यानड़िए के क्यों लिखिया, ये तुहाडी खोज वास्ते, जरा दिमाग हिलाओ। बाणी पढ़न वास्ते बाणी बिरलो विचार से जे को गुरमुख होए, विचार नाल बाणी पढ़नी। हुण एक सवाल पैदा हुंदा, शब्द है रंग, सतगुरु ने रंग तो हुण लिखेदा गगे नाल रंग, नंगा क्यों पा दिता। मैं पंक्तियां हुण तुहानू सुनावा, हर नामा हर रंग है, नंगा बोलना इत्थे, हर नामा हर रंग है, हर मज रंग मजीठ है रंग, गुर तुठ हर रंग चाड़िया फिर बोड़ न होवे पंग। हुण सतगुरां ने बहुत काव्य बन गईयां श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखियां। एक सियाने आलम दा विद्वान दा कथा ना, वो कहिंदे ने गुरु के सिख जिहड़े ने जिन्हां नूं दसां गुरुआं ते भरोसा है, अकाल पुरख दी ओठ ते टेक रखदे ने, इन्हां तों बगैर किसे नूं नहीं मन्नदे, उन्हां वास्ते जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब, जागत जोत सतगुरु का रूप है, अकाल पुरख का रूप है। पर कोई नास्तक बंदा जड़ा नाम ही रब नूं मन्नदा होवे, उह कहिंदे ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दी साहित्यक महत्ता तो मूँह नहीं मोड़ सकता, वह कहेगा जो इस ग्रंथ विच है वह किते पालिया नहीं लभदा। हुण वेखो निरा वह मान भी लिख सकते सन पर मानड़ा, साजन भी लिख सकते सन पर साजनड़ा। ये वनगियां जड़ियां ने ना
बहुत स्वादला बना दिंदियां ने ते साडी खोज वास्ते ने। यानड़िया कै घर गावना जिस घर विच ओ शब्द तुसी गाउणा। अज वैसे कुछ ज्यादा फिक्र करन दी लोड़ नहीं क्योंकि एक घर ते राग गाउंदा ही कोई नहीं। हुण पुछा मैं किसे नूं भई यानड़िए के घर ओ घर केड़ा ते ओ कहणगे जी सानू ते याद नहीं। तो जे गाँवदा भी है ना कोई मेहनत करके तो सुनदा कोई नहीं। वो कहिंदे ने सीधे सीधे पढ़ो शब्द जिहड़े नाल असीं भी पढ़ीए। ये यानड़िए के घर सुनेगा कौन तो गाएगा कौन। पर सानू भुलना नहीं चाहिए। ये साडा बहुत वड्डा धन है जो सतगुरु ने सानू बख्शिया है। उस घर विच गाउणा है जिस घर विच ओ शब्द है गाना है। ए आनड़िए मानड़ा काहे करें। हाँ जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमात्मा अदुती है उस वर्गा दूसरा कोई नहीं। इत्थे निरा एक ओ अखरी भी लिख सकते सन पर उन्हें एक पा दिता। पुछया से शेख ब्रह्म ने बाबा जी मेरा एक सवाल है। ये बाबा फरीदी ग्यारहवीं गद्दी ते से ग्यारहवीं थां ते कहन लगे मेरा एक सवाल है। वो जड़ा एक कहने जिसनों तुसी एक कहिंदे हो एक रब कहिंदे हो उस तो पहला की सी पहले भी कुछ है सी। ते सतगुरु हस के कहिंदे ने तेनू गिनना आउंदा। कहन लगा आउंदा। कहन लगे गिन। गिनन लगा एक दो तीन चार। कहन लगे गलत है। कहन लगा जी जिथों गलत होया उथों को दस्यो। जदों आख्या ने एक सतगुरां ने रोक दिता। कहन लगे रुक जा इथों ही गलत है। एक तो पहले की है। कहन लगा कुछ भी नहीं। कहन लगे बस एक तो पहले कुछ भी नहीं वो आपे आप ही है। परमात्मा है एक वो है अदुती। उस वर्गा होर कोई नहीं। बंदा ते अज सवेरे कुछ घड़ी नो कुछ कया सुने न खाया मन तिना ही सेती बसा। प्रणवत नानक दासन दासा खिन तोला खिन मासा। असी ते घड़ी च तोला ते मासा होने पर वो एक रासा एक ओ अंकार है। कार दा अर्थ है ये संस्कृत दा पछेतर है। इस दा अर्थ है एक रस जिस विच कोई फर्क नहीं पैंदा। सृष्टि पैदा हो जाए सृष्टि लै उस विच हो जाए दुख आवे सुख आवे कुछ आवे वो एक ओंकार है। ते प्राप्ति किवें होंदी है सतगुरु दी कृपा नाल सतगुरु दे प्रसाद नाल कृपा नाल। क्योंकि गुरु एक काम करदा होर कोई नहीं कर सकता। गुरु हौमे मुकाउंदा। हौमे मुकाया बिना परमात्मा दा नाम प्राप्त नहीं हो सकता। किन्ने जन्म कोई जपदा रहे पर जे नाल नाल हौमे आ मैं है। एक मैं बेनती करा सौखे याद हो जाएगी। जे जपण वाला नाम ते नामी तीन वख वख ने ना होमे नहीं मुके। मैं जपया ढाई घंटे जपया किसने जपया मैं ते अजे कायम है। एक सूफी संत ने बड़ी सोहनी सेध दित्ती। मरीद आया दरवाजा खड़काया ते उसने आवाज दित्ती। कहन लगा तू कौन है। कहन लगा जी मैं हाँ। जिवें हुण अपने घर जाओ ना दसन दी ते लोड़ नहीं ना कह देंदे हो मैं हाँ। दरवाजा नहीं खुलिया। कहन लगे मैं लिए इत्थे कोई थां नहीं। बड़ा चिर भटकदा रहा बुढ़ा हो गया। फिर आया दरवाजा खड़काया पुछया तू कौन है। कहन लगा तू ही है। ते दरवाजा खुल गया। सानू किते तू ही करना आ जाए। रसना जपते तू ही मात गर्भ तुम ही प्रतपालक मृत मंडल एक तू ही। वो बड़ा भागा दिन होवेगा जिस दिन मैं छड़ के
तू ही कहन लग पाइए। सतगुरु इत्थे फरमा रहे ने वह मिलता गुरु की कृपा नाल, गुरु की करदा होमे मुका देंदा, होमे दे थां नाम रख देंदा। फिर ना जपन वाला वखरा रह जांदा, ना नाम वखरा रह जांदा। वो अवस्था तो ऐसी है, जाप मरै अजपा मरै अनहद भी मर जाए, सुरत समाने शब्द में ता फिर काल ना खाए। उत्थे सुरत शब्द एक हो जाते हैं, परमात्मा के जपन वाले एक हो जाते हैं, बूंद के सागर एक हो जाते हैं, किरण ते सूरज एक हो जाते हैं। दूजा उत्थे कहन वाला कि मैं हाँ, दूजा हुंदा ही कोई नहीं, कौन आखे मैं, कहन ले कोई तो चाहिए, दूजा चाहिए जड़ा आखे मैं हाँ, तो जो दूजा रह ही नहीं गया मैं कौन आखेगा, उत्थे मैं नहीं रहिंदी। आओ अगे सरवण करो जी। हाँ जी, मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारी, मैं मन तेरी टेक। टेक वो है जिस दे आसरे टिके आ जाए, जान होंदा है ना बंदा, फिर तो छाला मारदा फिरदा, पर जब बुढ़ा हो जांदा फिर कोई आसरा को डंगोरी फड़दा, ये की है टेक जड़ी टकाई रखे। फिर लभदा कंध कित्थे है, ढो ला के बैठा, जवानी वेले नहीं सी लभ्या कि दीवार कित्थे है, ढो ला के बैठा, हुण टेक चाहीदी है। होर बेनती करा, तुसी हुण बैठे हो ना, तुहाडे अंदर कोई टेक है, सीधे बैठे हो, एक मुरदा क्यों नहीं बैठता? वो जदों जान विचों निकल गई उस वेले डिग पैंदा, उस वेले ते ना हाथ टिकदा, ना अखां टिकदियां ने, ना पैर टिकदे ने, ना कमर सीधी टिकदी है। निराल होके जिथे पिया उथे पै गया, साडे अंदर उसकी टेक है। हुण मन टिकाउण वास्ते भी टेक चाहीदी है। एक बंदा चौं दिनां दा भुखा है बेचारा, रोटी रोटी करदा, अन्न उसकी टेक है। तो जे उन्हूं आखिए बैठ परमात्मा का नाम जप, आखेगा जी रोटी पहले दो, मैं टिका ता जे टिकन जोगा होवां ते ता टिका। कहिंदे ने संसार च दुख सुख इन्ने ने, हाँ तेरी टेक होवे ते बंदा इत्थे टिक सकदा, नहीं तो टिक नहीं सकदा, डोलदा रहेगा, कंबदा रहेगा। मैं मन, मेरे मन विच टेक ते है, टेकां लोकां ने बहुत बनाईयां ने, गिणियां नहीं जांदियां इन्नियां टेकां। आ मेरा मित्र, ये मेरा मित्र है, ये मेरा सहारा बनेगा, ये सहारा बनेगा। सतगुरु कहिंदे ने पागां वाले किसे नूं पता है कि असल मेरी टेक केड़ी है, कोई जाना है। जैत्री राग विच शब्द मिलेगा, कोई विरला जानदा ज्ञानवान, कोई जाना है। कमन इहां जग मीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बुझै, तां कि निर्मल रीत। रीत होंदी जीवन की मर्यादा, उसकी मर्यादा अपने आप ठीक हो जाती है। उसने टेक केड़ी बनाई? कहंदे ने मेरे मन विच केवल टेक है तेरी। हे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, मेरे मन विच तेरा ही आसरा, तेरी टेक है। मैं होर कच्चियां टेकां नहीं लैंदा। एक मैनू दृष्टांत याद आया, चार मंजिला मकान से ते नवा नवा विआह होया, ते इधर बंगाल विच पान खाण की बड़ी भैड़ी वादी है, पूर्व विच भी खाई जाणगे। मैं वेखिया बड़ा फिरिया स्टेशन ते कोई थां नहीं मिलिया जिथे गंद नहीं पिया, थुक थुक के भरे पए ने। पत्नी ने पान खाधा ते उत्तों थुकिया, ते कोई फकीर जा रहा सी उहदे सिर च पै गया, उन्हें उत्ते वेखिया ते कहन लगा वाह मालका, देन लगना ते देंदिया भी नहीं वेखदा, उच्चिया अटारियां देना, इनू थोड़ी जी अकल भी दे देनी सी, भाई थुकन लग्या थले वेख लै भाई कोई जाता तो नहीं पाया। हुण पति भी उन्ना क सियाणा,
दौड़े आया तो फकीर दे सिर च दो चार डंडे मार दिते। कहन लगा ले ले स्वाद, रब ते गिला करके चादर नाल साफ करना सी, सिर ते तुर जाना सी, हुण डंडे खा के सुखी रहे। पर खुदा दी खुदाई रोच आ गई, वापस चढ़न लगा, पौड़ी तो पैर थिड़किया। ये जड़ी पौड़ी तो पैर थिड़कना है बड़ा खतरनाक, ऐसा थिड़किया सिर परने पिया मर गया। हुण पत्नी दौड़ी आई, फकीर दे पैर ना छड़े, फकीरा तू इन्ना करनी वाला मैनू नहीं सी पता, मेरे पति जिंदा कर दे। कहन लगा मेरी भैने तेरा मेरा तो झगड़ा ही कोई नहीं, झगड़ा है मालका मालकां दा, तेरी अपनी टेक ते मेरी अपनी टेक। कहन लगे तेरे मालक को तेरी रियायत जरूर थे, पर मेरे मालक को मेरी हमायत जरूर थे। तेरा माल के आया वो सट पिट आ गया, फिर मेरे मालिक का भी ध्यान आ गया। तेरा माल के आया वो डंडा लगा गया, मेरा माल के आया वो लेखा चुका गया। कहन लगे ते मालका मालका दा झगड़ा है, जिसदा साहिब डाढ़ा होए तिसनू मार ना सका कोई। क्यों साहिब के सेवक रहे शरनाई, आपे बख्शे दे वड्याई। वो शरण विच हमेशा रहिंदा, कहिंदे ने मैं हमेशा तेरी शरण विच हाँ, तेरी टेक है। हाँ जी, अवर सियानपा बिरथिया प्यारे, राखन को तुम एक। रखन वाले ते तुसी एक हो, केवल होर कोई नहीं रख सकता। बाकी सियानपा ते बहुत ने पर व्यर्थ ने। चतराइया सियाणपा तुसी सुन के हैरान होवोगे, बहुत बंदिया ने गुरुआ नाल भी धोखा करन दा यतन किया। मैं उन्हां बंदिया की गल ना करा जेडे दुश्मनी करते, नहीं जेडे सिख खवाउंदे सन, कहिंदे सन असी रजा च रहना, असी भाणे च रहना। मैं दो दृष्टांत तुहाडे सामने रख के ना एक एक दो दो मिनट विच ते अगे चलां। एक कह के जथा आया मालवे तो, कोई तिन्ना दा जथा नहीं, वो 150 दा जथा सी, ते बड़ा कीर्तन करन रो रो के। ते सतगुरु कहन लगे बड़ा वराग तुहानू आउंदा। कहन लगे महाराज जन्मा जन्मा दे पाप धोतेगा, इत्थे आ के ते जापदा जगत मिथिया, बस नाम ही सत है, तुहाडा प्यार यही सत है। सतगुरु कहन लगे फिर प्यार मैनू भी बड़ा आया तुहानू वेख के। मेला ते अज से खत्म 3 दिन दा, पर 3 दिन वधा देने होर खाने हो गई। वो जिहड़ा प्यार सी ना वो जांदा रहा। कहन लगे घर जाना सी, घर दे कम ने, सतगुरु 3 दिन वधा दिता। हुण 3 दिन बड़ी मुश्किल नाल लंघाए, तो सतगुरु कहन लगे बहुत आनंद आया, 3 दिन होर वधा दिओ। हुण तो सोचन लगे कि जान इत्थों खुराक सी करा के निकलीए किवें, ढंग पता कि बनाया, शायद साखी सुनी होवे फटा रहा। जिउंदे बंदे नूं पा के कफन पा के मुरदा बना के तो बाहर निकलन लगे कि किले चों बाहर निकल के सुट के दौड़ जावांगे। पर सतगुरु सतगुरु नाल ना वह मरह ना ठागे जाहे, जिनका राम बसै मन माहे। गुरु नाल ठगी कौन करे, गाहे सूफी गाहे जाहद गाहे कलंदर में शबद। रंग हाए मुख्तलिफ दर्द बुते अयारे मां, अयार होंदा जिहड़ा सारियां चलाकियां समझे। सतगुरु आ गए अगो, प्यारे ओए कौन चढ़ाई कर गया ना दस्या, महाराज आया सी ते। कहन लगे लै कित्थे चले, सत्कार करन जी बाहर। कहन लगे ना इत्थे रखो, असी आप अरदास करने आ। ते चिखा लियाओ भाई, लकड़ियां लियाओ, चण दित्तियां गईयां उहनूं उत्ते पा दित्ता, चो बलदा लियांदा लाओ। जदों लाउण लगे उहने सोचिया उहनूं साड़ी जावांगा ते उठांगा, मारी शाल ते दौड़ गया। सतगुरु कहन लगे वाह तुहाडा प्रेम सण दे ही सचखंड नूं गया, उह दौड़दा जांदा। कहन लगे भलिओ लोको रे जन मन माधो स्यों लाइए, चतराई ना चतर भुज पाइए। सहज सियाणप कर रहे मन कोरे रंग ना होए, सहज सियाणपां लख होए। पहले क्या है सैकड़े या हजार,
फिर क्या लखा सहस्य अनपा लख होवे तां इक ना चले नाल। कहन लगे तुहाडा कीर्तन नहीं तुहाडा ते रोना धोना। कोई गावे रागे नादी बेदी बहु भांत कर नहीं हर हर भीजे राम राजे। जिन्ना अंतर कपट विकार अंदर कपट विकार गुरु नाल भी धोखा। कह लगे बस यही तुहानू समझाउणा सी संगतां में वेख लैन सच बोलो कूड़ दी कंध तोड़ दिओ सच दा प्रकाश हो जाए। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटा पाल। एक ही ढंग है वो दीवार ना लंघे हो वो केड़ी है हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। अवर सियाणपां बिरथियां प्यारे राखण कहो तुम एक रखण वाले तुसी एको होर कोई रखवाल चलाकी चतराई कोई कम नहीं आएगे। हाँ हाँ जी सतगुर पूरा जे मिला प्यारे सो जन होत निहाला। पूरा सतगुरु जे मिले जिसनु मिले आ ओ सेवक ओ जन निहाल दा अर्थ है वो प्रसन्न हो जाना विगास विच आ जाना खड़ाव विच आ जाना। वो निहाल हुंदा जिनू गुरु मिले। हुण गुरु ते आउंदे जांदे सारिआं नूं मिलदे सन। गुरु नूं मिलना की है मन दा मेल गुरु दी रजा विच आ जाना भाणे विच आ जाना। आउण वाले बहुत ने पर मिलण वाले बहुत घट ने गिणती दे। सतगुरु ने आप फैसला दिता वो मैं तुहानूं सुना दिआं। कहिंदे ने हैन विरले नाहीं घणे फैल फक्कट संसार। फैल दर्थ हुंदा है फैलाओ विखावा एवें फक्कट झूठ ऐसा ते बोलण वाले संसार च बहुत ने लेकिन वो विरले ने। रत्ते सही जे मुख न मुड़न जिन्नी संजाता साई चढ़ चढ़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना करना। कबीर साहब एक दिन तुरे जान वेखे अंबन बूर पाया। कहन लगे अंब खा खा के लोकी रज जान के मुकने नहीं इन्ना बूर पिया। फिर आए तो बूर झड़ गया अंबिया थोड़िया जीयां लगियां। कहन लगे हैं थोड़िया रह गईया खैरे भी पक गई तो बहुत ने। उन्हां विचों भी वेखिया कुछ तोते खा गए कुछ गां खा गए कुछ काने हो गए। जेड़े पक्के कहन लगे भी मालक तक जेड़े पुज जान पा गए नहीं तो बाकी एक कुछ नाल लगे ने वो सुक गए। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आंब जाए पहुंचे खसम के जब वीच न खाही कांब। जेड़े कांब ना खा जान वो मालक तक जाके पहुंचते ने। कहिंदे ने पूरा गुरु मिल जाए पाप गुरु ते सिख एक हो जाए। गुरु दा मन ते सिख दा मन एक हो जाए जेंज गुरु मिले ओ जन ओ निहाल हुंदा है। हाँ जी गुर की सेवा सो करे प्यारी जिसनो होए दयाला। सेवा करदे ते सानू दिसदे ने पर गुरु दी दयालता नहीं। इस सेवा विच पता किवें लगे ने क्यों कीता। जांका मस्तक भाग से सेवा लाया मथे दे भाग गुरु ने कृपा जिन्हां ते कीती ओ देवगुरु जिन्हां ते दयाल हो गया गुरु दी सेवा उही करदे हन। हां सफल मूरत गुरदेव स्वामी सर्व कला भर पूरे। मूर्ति दा अर्थ कोई मूर्ति कोई शक्ल नहीं जे श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मूर्त शब्द आएगा इहदा अर्थ हुंदा हस्ती। ओ हस्ती जिहनू परमात्मा कहने निरंकार कहने ओ मूर्त ओ हस्ती गुरुदेव दी मूर्ति ओ सफल फल देने वाली है। ये दर्शन सफल दर्शन अकाल मूर्त प्रभ है भी होमनहारा। ये फल देने वाली है सफल है। कई बंदे मिलते ने कहने कादा मिले आया जो मैं मंगन गया सा उते इसने दिता ही नहीं फिर की मिले आ। फिर दर्शन सफल ना होए। सफल मूर्त गुरदेव देवतियां दे भी देवते सतगुरु ओ मालक सर्व कला सारिया शक्तियां नाल ताकतां नाल जो भरपूर है। नानक गुरपार ब्रह्म परमेश्वर साहब कहंदे ने
गुरु पारब्रह्म परमेश्वर दा रूप है सदा सदा हजूरे फिर वो सदा सदा वास्ते जाहर जहूर हैं कि हाजिर हजूर हैं सतगुरु सदा वास्ते हाजर नाजर ने है हजूर हाजर कत ना आदर सद नाजर कथे ना भयो दुराई वो सदा ली हाजर नाजर है सुन सुन जीवा सोए तिना की जिने अपना प्रभ जाता एक बेनती इत्थे करां रब नूं मिलना ते चाहुंदे आ मैं भी चाहुंदा तुसी भी चाहुंदे हो कौन नहीं चाहुंदा जिन्ने आए आ पर जे साडे कोलों भी लंघे आ ते पछाणांगे किवें क्योंकि असीं ते जाणदे ही नहीं वेखे आ ही नहीं ते आ रब लंघे आ सतगुरु कहिंदे ने मैं उहनां तों बलवार हाँ जिन्हां ने अपने प्रभु नूं जाण लिया कहिंदे ने जिन्हां ने जाता उहनां ही पछाता जिन्हां जाता नहीं उहनां पछाता भी नहीं उहनां दे पाक चंगे उहनां दे जे सुन सुन मजीमा सोए तिना कि उहनां दी सोभा सुण के मैं जी पैना जिवें नामदेव ने सुन लिया पहले भगतां पा लिया तन्ने सुन लिया पहलियां पा लिया इसे तरह जदों सोभा सुनने आ ना ये गुरमुख ये गुरसिख फिर मन च चा उठता कि मैं भी ये वर्गा बन जावां मैनू भी सतगुरु कृपा करे जिन्होंने अपना प्रभु जाने सांझ पाई उस दे नाल हाँ जी हर नाम आराध हे नाम वखाणा हे प्रभु दा नाम आराधदे हन नाम ही वखाणदे हन हर नामे ही मन राता हरी नाम विच उहनां दा मन रंगिया होया है सेवक जन की सेवा मांगा मैं एक ही गल मंगना कि जेड़े तेरी सेवा कर दे तेरे सेवक ने मैनू उहनां दी सेवा दे दे मैनू उहनां दी सेवा दे जो तेरे सेवक हन पूरा कर्म कमावा और ये भी तेरी बख्शिश होवे ते मैं तां कमा सकदा तां सेवा कर सकदा हाँ नानक की बेनती स्वामी साहब कहंदे ने मेरी बेनती है हे मेरे मालक स्वामी कहंदे ने मालक नू हे स्वामी मेरी बेनती है तेरे जन देखण पावा हुण मिलणगे ते तां ही सेवा करांगा तेरे सही प्यारे मेले जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेता आवे मैं उन्हां दे दर्शन करने पावां मैनू ओह मिल जाण हां जी वड भागी से काढ़ी है प्यारे वड्डे भागां वाले ओह खवांदे हन संत संगत जिन्हां वासू जिन्हां दा वसेबा सत संगत विच है भाव नित संगत विच आउंदे ने बाहर भी जाउंदे ने ते ध्यान संगत विच है सुरती उन्हां दी संगत विच है अमृत नाम आराधिया निर्मल निर्मल नाम पवित्र नाम अमृत नाम इसकी आराधना करनी चाहिए है मन होवै प्रगासु मन विच आत्मक सूझ का प्रकाश हो जाता है एक विद्वान ने तो कहा जे तेरा मन विच प्रकाश नहीं होया मन ही जगमगा उठाया इहनू मिट्टी दे ढेर थले शरीर नू दब दे किसे काम नहीं शरीर तो मिलिया सी इहदे विच मन है तो मन विच रब का प्रकाश होवे गुर पूरा पेट्यो वडभागे मिलिया के मने भया प्रगासा कोई न पहुँचन हारा दूजा अपने साहिब का प्रवासा मन विच प्रकाश हो गया हाँ जी जन्म मरण दुख काटिया प्यारे जन्म मरण दा बड़ा वड्डा दुख है कहिंदे ने कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार रहो दो कालंग प्रनासे संकट का एक जन्म एक मरण दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे कृपा करे जन्म मरण दा दुख जेड़ा ए कटिया जाए जूका जम की काने जम दी मुथाजी कोई ना रहे जम दी तां उसके मैं आ रहे हैं कोई डर ना रह जाए जिना प्राप्त दर्शन नानक उन्हां दे प्राप्त ने दर्शन साहिब जी कहंदे ने दर्शन ते उन्हां दा उन्हां नूं प्राप्त है हाँ जी जो प्रभ अपने भाणे जेड़े अपने प्रभु नूं पा गए कबूल हो गए उसके घर प्रवान हो गए ऐसे गुरमुखां दे दर्शन उन्हां नूं हन ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे उच्चे हो उच्चे ए उच्चे होण करके गजा नाल नहीं मिलना
हूँ मैं कई बारी वेख्या तुसीं भी वेख्या होना निशान साहब उत्ते चढ़ के कोई पंखी बैठा वेख्या होना दरबार साहब वेखे है सचखंड हरिमंदर साहब कबूतर उत्ते चढ़ के बैठा सार कतावली दे करते ने एक गल कही है ऊचे थिति ऊचो नहीं उच्चे बहन नाल कोई उच्चा नहीं हुंदा उच्चो गुण कर होए गुणा नाल उच्चा हुंदा काग अटारी पर बह तो के खगपत हो कां अटारी ते बह जाए ते पंखियां दा राजा बन जाएगा। हुण तुसीं अमृतसर साहब नूं वेखो मैनूं कई वारी इह ध्यान आया जे कोई सब तो नीवें थां ते है ते उह सचखंड हरिमंदर साहब ते इत्थे उच्चियां तो उच्चे आ के अपना मस्तक रगड़दे ने ये सब तो उच्चा है उच्चे नीवें दी गल नहीं उच्चा कौन है अति उच्चा तंक दरबारा अंत नहीं कछ पारा वारा कोट 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 लख धावै एक तिल तंक महल ना पावै वो उच्चे उच्चा है अपार है उहदा पारला करारा कोई नहीं ऊच अपार बेअंत सागरां दा भी अंत आ जांदा उहदा अंत कोई नहीं ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे साढ़े अवगुण नहीं गिने जाते उसके गुण नहीं गिने जाते बेअंत उसके गुण हैं। हाँ जी गावते उदरहे सुनते उदरहे गाउण वाले जेड़े उसके गुणा का गाउण करते हैं कीर्तन की है परमात्मा के गुणा का गायन गावन करन वालियां दा भी उधार हो जांदा है ते जिन्हां नूं गाउणा नहीं आउंदा सुनन वालियां दा भी उधार हो जांदा गाउण वाले भी उधर गए उन्हां दा भी नस्तारा सुनन वालियां दा भी नस्तारा है। बिनसे ही पाप कनेरे कनेरे दा अर्थ हुंदा बहुत इत्थे गिनती नहीं लिखी जिन्ने मर्जी होण पापां दा नाश हुंदा है। पशु परेत मुगद को तारे पशुआं वर्गी विरती वाले जड़े ने उन्हां नूं भी तार लैंदा है प्रेत विरती वाले जड़े ने उन्हां नूं भी तार लैंदा है। पशु परेत मुगद को तारे मूर्खां नूं भी तार लैंदा है जिन्हां दी बुद्धिहीन हन उन्हां नूं उन्हां दा भी निस्तारा कर दिंदा है। पाहन पार उतारा पाहन पत्थरां नूं भी पार कर दिंदा है पत्थर चित विद्वान इह कीता अर्थ पत्थर चित ने पर मैं इक बेनती करा पत्थर ते पत्थर होणगे इक आलम ने कहा सी खूबिए जौहर से हर एक चीज पाती है इम्तियाज लाल भी पत्थर ही है लेकिन वो पत्थर और है लाल भी तो पत्थर ही है हीरा भी तो पत्थर मैं कहना पत्थर तुहाडे चंगे भाग जिहड़े परकर्मा च लग गए भाई साहब कहिंदे ने मैं खाक बन जावां ते जिथे सिख लंघ रहे ने मेरे उत्तों लंघन कदी ध्यान कीता तुसीं उन पत्थर जिहड़े हरिमंदर साहब दीआं सरदारां नूं लगे हुए ने के गरीब की अमीर की राजा कंगाल किन्ने क मथे इत्थे आके टिकदे ने वो पत्थर धन नहीं हुण मछियां ते आम हैन बाकी भी हैन मैं कहना आमदे ने प्रेमी डुबकी लाई इशनान हो गया पर मछियो तुसीं अठे पैर ही सरोवर दे विच तुहाडे किन्ने चंगे भाग ने मछली होवां जल वसां जी जंत सब सार उरवार पार मेरे सब वस्यों मिलोंगी बां पसा एक विद्वान ने लिखी ते कल्पना पर कल्पना बड़ी वड्डी शक्ति है कहंदे ने पूजियां आत्मा कुछ रब दे सामने गईयां बड़े ध्यान नाल सुनना पूजियां होईयां आत्मा गईयां ते जाके कहन लगियां दाता कुछ मंगन आए हैं ते कहन लगे मंगो भाई मुक्ति मंगोगे इन्या तप कीता जप कीता कहन लगे नहीं एक आत्मा कहन लगे मैनू लोहा बना दियो लगे लोहा बनाओ भरियो मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दे श्री साहब बना मैं गुरु गोबिंद सिंह साहब दा तीर बना मैनू लोहा बना दियो। दूसरे ने कहा मैनू पंखी बना दियो मैनू बाज बना दियो पर वो बाज मैं कलगी धर दे हाथ ते बैठा
तीसरे ने कहा मैं बंदा नहीं बनना चाहता, मैं घोड़ा बना दो, पर मेरे ते गुरु गोबिंद सिंह साहब सवारी करना, मैं उन्होंने सेवा करा। गुरमुख जन जेड़ा है वह विचारदा हूँ पत्थर संगे असवद है तो वह भी पत्थर, तुसी हैरान होवोगे काबे दे दक्षण पूर्व दे गुट विच पत्थर लगा संगे असवद काले रंग का पत्थर, पता नहीं किन्ने करोड़ मुसलमान परिक्रमा करदे उन्हें चुमदे ने, है तो वह भी पत्थर है। ये पत्थर परिक्रमा दे, मैं कहना मनमुख बंदिया तेरे नालों पत्थर बड़े चंगे ने, जेड़े सतगुरु दे दारे आए वो ते तर गए, उन्हां दा ते नस्तारा हो गया, पत्थर चित हैं ते तू ही तर जा। साडे नालों ते पत्थर चंगे, मैं कई बारी सोचना पत्थर जेड़ा है गुरु साहब दा पंजा लगा, पंजा साहब केड़ी है कीर्तन कहता वाली कंधारी ने पहाड़ रेड़ दिता ते पंजा लगा जड़ा अज तक मौजूद है। बंदे तेरे दिल विच पंजा कदों लगेगा गुरु नानक साहब दा, तू कठोर चित ना रह। राम रसायन पियो रे दगरा, दगरा कहिंदे ने पत्थर नू, पशु परे मुगध का उतारे पाहन पार उतारे, पत्थरां नू वी ओ पार कर दे अंदा देवा पाहन तार गले। राम कहत जन कस न तरे, पशु प्रेत मुगत का उतारे पशुआं। ऐसे बंदे तुसी आखोगे तो पशुआ तो मैं नखेद, पशु मिले चंगे आईया खड़खावे अमृत दे, मुगदा नू मूर्खा नू तारन वाला पत्थरां नू पार कर देंदा है। हां जी नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारा। साहब कहंदे ने जेड़ा शरण विच आ जाए दास हमेशा शरण विच रहिंदा, सदा ही वह बलहार जांदा कुर्बान जांदा है। हाँ कुर्बान जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ, लैण जो तेरा नाओ तिना कहो सद कुर्बान जाओ। अज एक इतिहासक दिन भी है, साढ़े इतिहासक दिन जेड़े ने साढ़े वास्ते बहुत वड्डा सरमाया ने। गुरु का बाग स्थान कुके वाली पिंड के कोल इत्थे सतगुरु अर्जन देव पातशाह भी गए चरण पाए, गुरुद्वारा साहब बनया बाग लवाया। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी भी इत्थे आए, बहुत सारे सिखां बड़ी जंगेर इत्थे नां लवाई। सिख लहर जदों सुधार लहर चली है इत्थे महंत जिहड़ा सी उहदा नाम सी सुंदरदास। बाकी महंता वांगू उहदियां वी शिकायतां आईआं कि करैक्टरहीन आ ते ठीक नहीं। सद्दिया उहनूं श्रोमणी कमेटी ने, उहनूं कहा भई ऐसा कर बहुतियां ने इक औरत नाल आनंद कार्ज कर लै ते तैनूं तनखाह भी देंगे, मकान अमृतसर दा साहब देंगे। लै दिता उन्हें, खैर अमृत पान कर लिया, उहदा नाम हो गया जोगिंदर सिंह, महंत का नाम हो गया जोगिंदर सिंह, पत्नी का नाम हो गया ज्ञान कौर। पर जिस वेले अंग्रेजा ने बहुत ज़्यादा महंता की इमदाद की वह विटर गया, फिर उन्हें कहा समझाया, पर नहीं अज का दिन से सन 1922 दे विच पांच सिंह गए लकड़ा कट के सुके केकर होंदे सन, लकड़ा कट के लियांदे सन जो लंगर दे विच काम आउंदियां सन, गए लकड़ा कट के ले आए। पर अचानक ही दूसरे दिन 9 अगस्त नूं उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया जांदा 10 नूं, अचानक ही उसे दिन ही उन्हां दा फैसला भी हो गया 6-6 महीने की उन्हां नूं कैद। मुकदमे किन्ना किन्ना चिर चलते हैं, 6-6 महीने की कैद, 50,000 रुपये जुर्माना। खैर सिखा दे जथे जाने शुरू हो गए, जथे जाते रहे 35 श्रोमणी कमेटी के मैंबर जड़े सन ये भी गिरफ़्तार हो गए। बाबा केर सिंह पट्टी ये भी गिरफ़्तार होया, इन्ना मार इन्नी पई बेटी दियाँ डांगा नूं लोग याद करते हैं, डांगा मार मार के सिंघां नूं कई घर आके शहीद जाम पे गए, गुझियां सट्टां इन्नियां ज़्यादा लगियां, आखिर
बेटी दियां डंगा हार गईयां नवंबर विच, ते उन्हें सोचिया हुण जान के मैं छुड़ावां। राय बहादुर सर गंगा राम उसनू महंत कोलों जमीन ठेके ते दवा दिते, ते उसने लिख के दे दिता इत्थे पुलिस दी मैनू कोई लोड़ नहीं रखवाली वास्ते। पुलिस जिहड़ी सी उहदा पैरा बंद हो गया, गिरफ्तारियां बंद हो गईयां, ये मोर्चा इस ढंग नाल खत्म होया। पर सिखां नूं जो सिखां दी प्रीख्या इत्थे होई, टेक सी अकाल पुरख दी, इन्हां शहीदियां ने इन्हां कारनामा ने साडे वास्ते बहुत वड्डा इतिहास सिरजिया। अज असीं उहनां नूं याद करना है कि गुरु के बाग दे मोर्चे विच जिन्हां ने सिखी सिदक भरोसे का सबूत दिता और दस दिता भाई सानू सिखी प्यारी है, डांगा मारियां असीं नहीं मरते, चरखड़ी ते चढ़े असीं नहीं मरते, रंबियां नाल खोपर लै जाण तां असीं नहीं मरते। सिख ते मरदा उस दिन जदों गुरु तो बेमुख हो जाए, गुरु तो मूँह मोड़ लवे ते सिख दी कोई जान ही निकल गई। इहदी जिंद जान की है? सिखी रजा विच रहना, पाने विच रहना। ये तो शब्द सारे पढ़ते जाते सन, जय तो मोर्च सिर जाए ते जाए, मेरा सिखे सिदक ना जाए। गुरु भी कृपा करे, बख्शिश करे, सिदक बचा लो, भरोसा बचा लो, सिखी बचा लो, साडा सब कुछ बच गया। एक ही गल गुरु ने समझाई सी, कह के समाप्त करा, वो ये है गुरु नानक देव जी ने भी कहा सी, बंदियां दे किसे शाही रोब थले मैं नहीं आंदा, मैं सच आखांगा। बाबा आखे हाजियां शुभ अमलां बाजों दोनों रोय। साहब गुरु अंगद देव हमायों दे रोब थले नहीं आए, राम राय नूं इह गल कही सी शाही रोब थले नहीं आना। गुरु तेग बहादुर साहब ये बचन नाल समाप्ति करा, गुरु तेग बहादुर साहब नूं लिखिया, साहब ज्यादा हाकमां दी खिली उड़ाउंदा ते इत्थे इन्हां दा जोर है। साहबां कहा गोबिंद जो किया सो भला किया। कुछ कोई सरकारी अहलकार आए, अव्वल तो बैठन लई आखना ही नहीं, ते जे बिठाउणा आग बचन ध्यान च लैणा, पुआंदी देनी सराहना नहीं देना, सराहने वाले पासे नहीं बिठाउणा, पुआंदी वाले पासे बिठाउणा। सिख दा हमेशा वास्ते बोलबाला, सिख दी चढ़दी कला रही है ना, ते इहनूं डांगा ना चरखड़ियां ना कोई होर हरा सकिया, सदा वास्ते लागते दीवान रहे, गावते सुजान रहे, लागते दीवान रहे, गावते सुजान रहे, झूलते निशान रहे, सच्चे पातशाह के फुलां दी खिमा जियो। आओ आखरी दो पंक्तियां सरवण करो, समाप्ति करिए जी। पशु परेत मुगद कौ तारे, पाहन पार उतारा, नानक दास तेरी शरणाई, सदा सदा बलहारा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।